गुड मॉर्निंग क्लास वन, कैसे हैं आप सब बच्चों? स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे ही रहिए, ठीक है? अच्छा, आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 10, पत्र की यात्रा। आप सब अपनी अपनी हिंदी रीडर बुक ओपन कर लेंगे। चैप्टर 10, पत्र की यात्रा, पेज नंबर 9191। ओके, हाँ, ओपन करिए आप लोग। कर लिया ओपन आप सबने? चलो, पत्र की यात्रा में हम पत्र लेटर के बारे में बात करेंगे, है ना। इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे कि पत्र कैसे कैसे लिखते हैं और कैसे उसको भेजते हैं। सीमा ने दीपा को पत्र लिखा, उसने दीपा के जन्मदिन पर उसे बधाई दी। क्या हुआ? सीमा ने किसको पत्र लिखा? दीपा को, और उसको बधाई देना यानी उसको विश किया। किसका? बर्थडे विश। पत्र लिखकर उसने एक लिफाफे में डाला। लिफाफा यानी एनवलप, अपन कुछ लिख के रखते हैं ना, एनवलप पे डालते हैं। लिफाफे के ऊपर दीपा का पता लिखा और डाक टिकट लगाए। जो अपन ने एनवलप लिया था उसके ऊपर एड्रेस लिखा, क्योंकि यदि अपन एड्रेस नहीं लिखेंगे तो अपन कहाँ भेज रहे हैं उसको नहीं पता चलेगा और उसको नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए उसके ऊपर और एक स्टैम्प भी दिया जाता है, टिकट भी मिलता है इसके लिए, वो उसमें लगाया जाता है, ठीक है। तब जाके वो जिसको हमने लिखा है उसके पास पहुंचता है। इसके बाद सीमा ने पत्र लेटर बॉक्स में डाल दिया। आपने लेटर बॉक्स देखा है? आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है, बट लेटर बॉक्स रेड कलर के होते हैं, देखा होगा कई जगह आपने, है ना। उसमें वो लेटर्स हम ड्रॉप करते हैं। फिर जो डाकिया होता है वो आता है, और जो पोस्टमैन होता है ना, उसको डाकिया भी बोलते हैं हिंदी में, वो आके वो लेटर्स निकाल के पोस्ट ऑफिस लेके जाते हैं और वहाँ से फिर वो डिस्पैच करते हैं, और ट्रेन में या बसेस में हमारे वो लेटर्स जाते हैं उन जगहों पे। पत्र डालकर सीमा घर लौट आई, उसने माँ से पूछा, माँ मेरा पत्र दीपा तक कैसे पहुँचेगा? ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अच्छा बेटा, माँ ने बताया दोपहर को डाकिया लेटर बॉक्स खोलेगा, ठीक है। डाकिया कौन है? जो पोस्टमैन, जिसको अपन डाकिया बोलते हैं। लेटर बॉक्स, इसमें अपन लेटर डाल के आए हैं, खोलेगा और सारे पत्र सारे लेटर्स निकाल कर डाकघर ले जाएगा, पोस्ट ऑफिस ले जाएगा। आपने देखा ना वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पत्रों को छांटकर अलग अलग शहरों और गांवों तक पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, सारे लेटर्स को अलग अलग रखते हैं, कौन सा लेटर कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, बॉम्बे जाएगा, जयपुर जाएगा, कोटा जाएगा, उदयपुर जाएगा, सबको अलग अलग बना के रखा जाता है। और जो ट्रेन या बस जहाँ जाती है वहाँ वो लेटर्स का वो डिब्बा रख दिया जाता है, और वहाँ के वहाँ जो जो वहाँ का पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ वो लेटर्स पहुँचते हैं। क्या डाकिया सब जगह स्वयं जाएगा? सीमा ने हैरान होकर पूछा। ये हम लेटर के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई ना, लेटर बॉक्स इस तरह का होता है, बगल में वो पोस्टमैन बैठा है, डाकिया बैठा है। माँ ने हंसते हुए बताया, अरे नहीं, ये पत्र हवाई जहाज, रेलगाड़ी और मोटर बस के द्वारा भिजवाए जाते हैं। यदि हमने लेटर्स एब्रॉड के लिए लिखा है, विदेश के लिए, तो वो तो फ्लाइट से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे ना। फिर सीमा ने पूछा, माँ ने बताया, फिर इन पत्रों के थैलों को उन स्थानों के डाकघरों में खोला जाता है, उन पर वहाँ की मुहर लगाई जाती है कि स्टैंप लगाते हैं वहाँ का। इसके बाद वहाँ का डाकिया पत्र बांट आता है। समझ में आया? माँ दीपा को पत्र कब तक मिल जाएगा? सीमा ने पूछा कि वो लेटर दीपा के पास कब पहुँचेगा। तो माँ ने बताया, उसे तुम्हारा पत्र 3-4 दिन में मिल जाएगा, 3-4 डेज में। वाह, फिर तो डाकिया को बहुत मेहनत करनी होती होगी, सीमा ने पूछा। डाकिया कौन? वही पोस्टमैन। हाँ बेटी, वह हमारी बहुत सेवा करता है, हमें भी उसका आदर करना चाहिए। आदर यानी उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। वो हमारे घर में आके हमको लेटर देके जाते हैं। माँ ने कहा, अच्छा माँ, अब से मैं डाकिये को काका कहा करूँगी। कौन, किसने कहा ये वाली बात? ये वाली बात सीमा ने कहा अपनी मम्मी को कि मैं अब डाकिया जो आता है उसको डाकिया ना कहकर काका या अंकल कहूँगी, है ना, सीमा बोली। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ पे बेटा पत्र के बारे में, लेटर्स के बारे में बताया गया है कि वो हम कहाँ डालते हैं, कहाँ से डाकिया उसको लेके जाता है और कैसे वो उस शहर तक पहुँचता है।
समझ में आया ना चैप्टर? एक बार अच्छे से इसको आप लोग पढ़ेंगे हाँ तो समझ में आएगा। अब देखो शब्दों की अर्थ जानो, पेज नंबर 93 में है। लेटर बॉक्स यानी ऐसा बॉक्स जिसमें पत्र डाले जाते हैं, वो लेटर्स अपन डालते हैं, वो रेड कलर का ही जो बना हुआ है इसको लेटर बॉक्स बोलते हैं। स्वयं यानी खुद, अपने आप। आदर यानी सम्मान या इज्जत, रिस्पेक्ट करना। ठीक है, ये पूरा चैप्टर बेटा आप सब एक बार अगेन वापस से पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग, सेंटेंसेस सब मैं आपको बाद में लिख के भेजूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।